एक संवेदनशील और सकारात्मक क्रांतिकारी लेखक, भारतीय रंगमंच और सिनेमा के सशक्त यथार्थवादी अदाकार जिन्होंने समाज की कड़वी हकीकत को आत्मसात किया और आम आदमी के किरदार को पूरी शिद्दत से जीवंत कर उसकी पीड़ा और समस्याओं से रूबरू कराया और भावनात्मक रूप से लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। जी हाँ, महानता के प्रचलित दंभ से कुसो दूर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महान शख्सियत बलराज साहनी का जीवन इंद्रधनुषी रंग की तरह था। साम्यवादी विचारधारा के मुखर समर्थक बलराज साहनी का जन्म हुआ मजदूर दिवस 1 मई 1913 को रावलपिंडी के भेरा में एक आदर्श समाजी कपड़ों के व्यवसायी पिता हरवंश लाल के यहाँ। मूल नाम था युधिष्ठिर, लेकिन स्कूल में उन्होंने अपना नाम बदल लिया बलराज। स्कूली शिक्षा गुरुकुल और डीएवी से, डीएवी कॉलेज से हिंदी में स्नातक और सरकारी कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी में मास्टर्स डिग्री के बाद फिर से रावलपिंडी में पिता के व्यवसाय में लग गए, मगर जी न लगा। कॉलेज जीवन ने उनका नजरिया बदल दिया था। लेखन की ओर रुझान बढ़ने लगा तो अभिनय के कीड़े ने भी काटना शुरू कर दिया था। इस बीच उनकी शादी उन्हीं के विचारों वाली दमयंती सहनी के साथ 1936 में हो गई। उन्हें साथ लेकर बलराज रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन चले गए हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने, जहां दमयंती ग्रेजुएशन करने लगी। वहीं बेटे परीक्षित सहनी का जन्म हुआ। 1938 में एक वर्ष के लिए बरघा में महात्मा गांधी के सानिध्य में भी रहे। वहीं डोनाल्ड फिल्डन के उन पर नजर पड़ी और वे सपत्नीक लंदन चले गए बीबीसी उद्घोषक बनकर। 1943 में स्वदेश वापसी के बाद तक वे पूरे साम्यवादी हो चुके थे। व्यवस्था में अमूल बदलाव का जज्बा था उनके अंदर, जिसके लिए हर कुर्बानी हेतु तार्किकता के साथ वे तत्पर थे। पति पत्नी दोनों ने इप्टा ज्वाइन कर लिया था, जहां कई प्रगतिशील मनुष्यों के संपर्क में आए और शोषण बेकारी जैसे समकालीन संवेदनशील विषयों पर नाटकों का मंचन किया। मगर बलराज ने महसूस किया कि सिनेमा का क्षेत्र विशाल है, इसलिए सिनेमा का रुख किया। 1946 में फणी मजुमदार के इंसाफ और के अब्बास के बंगाल की दुर्भिक्ष पर आधारित फिल्म में धरती के लाल में उन्हें अभिनय का मौका मिला। इसी बीच 1947 में दुर्भाग्यवश पत्नी की मृत्यु हो गई और बलराज टूट गए। बच्चों को संभालने और एकाकीपन से निजात पाने के लिए 1949 में संतोष चंडोक से दूसरी शादी कर ली। 1951 में उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म में बाजी की पटकथा लिखी। अपने साम्यवादी और क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1951 में ही प्रदर्शित के आसिफ की फिल्म हलचल की शूटिंग विशेष अनुमति से इसी दौरान पूरी की और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बेरोजगार युवक की भूमिका निभाई हम लोग में। इस मनहूस दुनिया से तो चल देना ही अच्छा है। मगर एक अभिनेता के रूप में उनकी असली ताकत को पहचाना गया 1953 में बिमल राय के फिल्म 2 बीघा जमीन से, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म में जमीन गंवा चुके किसान रिक्शा चालक की भूमिका में वे नजर आए। कई फिल्में जैसे सीमा, कठपुतली, मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए, मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए, सपनों की महफिल में हम तुम नहीं। भाभी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। लाजवंती, अनुराधा अनपढ़ छोटी बहन जैसी फिल्में हालांकि स्त्री प्रधान थी, मगर बलराज साहनी ने अपने अभिनय की छाप छोड़ दी। पात्रों में पूरी तरह डूब जाना उनकी खासियत थी। इस बीच 1961 में प्रदर्शित रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित काबुली वाला तो जैसे उनके सिने कैरियर और भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। अब्दुल रहमान खान नाम के अफगानी के उनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता।
प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल खुदबा, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। और फिल्म वक्त के लाला केदारनाथ का किरदार, जिसे बड़ा भरोसा था अपनी मेहनत पर, मगर वक्त ने ऐसा तमाचा मारा सब तबाह हो गया। उन पर फिल्माया गया ये गीत पत्नी के प्रति प्रेम का प्रतीक ही जैसे बन गया। मेरी जोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। आज भी जब डोली उठती है फिल्म नील कमल के बेटी की ओर नम आंखों से विदा करते बलराज सानी जरूर याद आते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो फिल्म में एक फूल दो माली में उन पर फिल्म आई गई ये लोरी भी। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। फिल्म संघर्ष में तो गणेशी प्रसाद की नकारात्मक भूमिका से भी परहेज नहीं किया। इसके अलावा सोने की चिड़िया, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, घर संसार हीरा मोती बिंदिया, अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे भाभी की चूड़ियां, घर घर की कहानी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ सख्त नाइंसाफी की है, तुम अपने इम्तिहान में पूरे उतरे और मैंने नाम देने की बजाय तुम्हें सजा दी जाए। बेटा, हमने घर का इंतजाम तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम्हें मालूम हो जाए जो लोग रुपया कमाते हैं वो कितनी मुश्किल से कमाते हैं और जो नहीं कमाते वो कितनी आसानी से खर्च कर डालते हैं। नया रास्ता। मैंने भी शराब, तुमने क्या पिया, अरे तुमने क्या पिया आदमी का खून, मैं जलील हूँ, मैं जलील हूँ, तुमको क्या कहूँ, अरे तुमको क्या कहूँ, तुमको क्या कहूँ। पवित्र पापी, मैं तुम्हें नई नौकरी की मुबारकबाद देता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी इतनी पुरानी नौकरी छीन कर तुमने मुझे तमाम दुखों से आजाद कर दिया है। अब ना मुझे अपनी घरवाली का गम है कि वो मेरे बाद क्या करेगी, और ना अपने बच्चों की चिंता कि उनका क्या होगा, लेकिन आत्महत्या से पहले न जाने क्यों मैं तुम्हारे नाम ये चिट्ठी लिखे बगैर न रह सका, मैं ये बर्दाश्त न कर सका। एक ऐसे आदमी को जिसने एक पूरा खानदान तबाह कर दिया है, मालूम भी ना हो कि उसने क्या कर डाला। हकीकत। शाबाश बहादुर जवान, घबराने की कोई बात नहीं है। सट्टा बाजार, हिंदुस्तान की कसम, दो रास्ते उनकी खास फिल्मों में शुमार हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्म नानक ना दुखिया सब संसार में भी अभिनय किया। अफसोस, फिल्म इंडस्ट्री ने कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया बलराज सहनी को, मगर वे ऐसे अभिनेता थे जिसे कोई फिक्र नहीं होती और इसीलिए कैमरे के सामने बिल्कुल सहज होता है। सिनेमा उनका जुनून और प्रोफेशन था, जिसका निखरना उनके जिस्मानी अंत तक बरकरार रहा। भारत सरकार ने उन्हें 1969 में पद्मश्री से नवाजा। प्रगतिशील लेखन के सिरमौर रहे भीष्म साहनी के बड़े भाई बलराज साहनी खुद भी एक प्रतिभाशाली रचनाकार थे। कई पत्र पत्रिकाओं में लेखन के अलावे 1960 में मेरा पाकिस्तानी सफर लिखा, तो 1969 में लिखा मेरा रूसी सफरनामा, जिसके लिए सोवियत भूमि
नेहरू पुरस्कार मिला उन्हें। फिल्म गर्म हवा में उनका प्रदर्शन यादगार रहा, जिसमें उन्होंने मुल्क के बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने से इनकार करने वाले एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति की भूमिका निभाई जो व्यवस्था के खिलाफ व्यथित है। दुर्भाग्यवश ये उनकी आखिरी फिल्म रही। 13 अप्रैल 1973 को टहलते वक्त उन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और 59 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दी। शायद बेटी शबनम की मौत का सदमा था। उनकी आखिरी ख्वाहिश के अनुसार उनके शव के पास शिकार मास की दास कैपिटल रखी गई। आए ना मौसम बीता जाए, मौसम बीता।